ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत को लेकर भाजपा बेहद सतर्कता बरत रही है। पार्टी सीधे तौर पर अभी तक सामने नहीं आई है, हालांकि उसने राज्य में अपनी सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेता शिवसेना के साथ उसके दोनों सहयोगी दलों कांग्रेस और एनसीपी के रुख पर भी नजर रखे हुए है, खासकर शरद पवार पर। उनकी अगली रणनीति क्या रहती है? पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही राज्य में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। हालांकि भाजपा पहले शिवसेना की टूट को पूरी तरह हो जाने देना चाहती है। भाजपा नेताओं का मानना है कि यह बगावत शिवसेना का अंदरूनी संकट है और इसे साबित हुआ है कि उद्धव ठाकरे पार्टी और सरकार दोनों मोर्चों पर सफल नहीं रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना का बागी गुट पहले अपने के साथ 2/3 का आंकड़ा पूरा कर लेना चाहता है ताकि तकनीकी दिक्कतें न आए। बागी गुट लगभग 45 विधायकों के समर्थनों का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 34 विधायक ही खुलकर सामने आ पाए हैं। सूत्रों के अनुसार 40 विधायकों का आंकड़ा पार होने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष राज्यपाल के सामने असली शिवसेना होने का दावा कर विभाजन की औपचारिकता भी पूरी कर लेगा। इसके अलावा भाजपा के साथ सरकार बनाने का रास्ता भी खुल जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा होने तक भाजपा खुलकर सामने नहीं आएगी। हालांकि गुजरात से लेकर असम तक उसके नेता शिवसेना के बागी गुट को पूरी मदद कर रहे हैं। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले।